हेलो सब इक्की खातिल सर इक्की खत्म खेल। अगर कैमरा नहीं खोलता तो इसने कट जाता मेरा काम खत्म। कमल आउन तो तेर की ऑटो भर आते तेरी और नहीं बुहरी आई। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली शादी का समापन हो चुका है, अभी हम जो बराती है उनको लगा के आ रहे हैं। और आज थोड़ा सा मेरा गला आपको सही दिख रहा होगा, थोड़ा आवाज़ थोड़ा सही निकल रही है कल के कंपैरिजन में, हल्का फुल्का मैं बातें कर रहा हूँ, थोड़ा किसी के साथ ही बोल रहा हूँ, तो गला धीरे धीरे अपना रिदम पकड़ रहा है पुराना वाला। ए आसो यमी नहीं बोल भाई। अपना पे लाने दे। हेलो सब इक्की खातिल करो हाथ जोड़ के मैं सर इक्की खत्म खेल। यो आज तो दोस्तों मेथी पौना को नवाब बनाने वाले भी हल्दी से बड़ी मान लोग। तो अभी हम सब मेहमान को लगाने के लिए जा रहे हैं, उनको विदा करने के लिए जा रहे हैं। दुर्गेश भाई यार तुम इधर ध्यान नहीं दे रहे हो यार, थोड़ा बहुत हेलो हाय कर दो ना यार इधर। चलो ना यार थोड़ा विदा करने के लिए चलते उधर। तो हमारे मोहल्ले में जितने लोग हैं ना, कसम से कई शादियों में इतने मतलब पूरे बारात में ही लोग रहते हैं, हम लोग ही मतलब पूरे बारात जितने हैं कि नहीं है पूरी मतलब बारात जितनी जनसंख्या भाई इधर देखो। तो थोड़ा बहुत अभी विदा हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत रोने थोड़ा या तो अभी विदा बिल्कुल बिल्कुल तभी विदा करने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रोना धोना अभी होता ही है। अब अपने पहाड़ों में जो फीलिंग्स होती है वो अभी जाहिर किया जाता है, ठीक है। अभी देख सकते हो आप, थोड़ा बहुत सुन ही सकते हो, तो हम ज़्यादा दिखाएंगे नहीं आपको रोना धोना। बस ये है हमारे सारे हमारे परिवार के लोग, ये पूरी हमारी फैमिली है, तो सब हम अभी इनको लगाने के लिए जा रहे हैं। बस भाई बाय बाय। तो बस भाई भी जाने वाले आज, तो बस आसू भाई मिलता है तब फिर होगी मुलाकात बहुत जल्द, ठीक है। आसू भाई को भाई तेरे लिए नहीं है, तू अभी बहुत लंबा, तेरा भी बहुत लंबा सफर है, अभी अभी तेरा कुछ काम नहीं है। क्या कर रहा है? तो दोस्तों ये देखो, कसम से इतनी बड़ी साजिश है ना इसको मुझे मारने की, ये हाथ पे देख सकते हैं इतनी मोटी मोटी सुई है, मोटी नहीं बारीक सुई है, ये मेरे को चुबाने वाला था तो मैंने कैमरा खोल दिया, अगर कैमरा नहीं खोलता तो इसने कट जाता मेरा काम खत्म। भाई क्या गलत क्या क्या मैंने तेरा है, क्या ना क्या गलती हो गई मेरे से, अपनी जान है यार। बाय आसू भाई, बाय बाय, मिलेंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों अभी सारे मेहमान लोग हमारे आसू भाई लोग वसू भाई लोग सारे आज जा रहे हैं, बाकी कुछ कल विदा हो चुके हैं। नाराज ना हो यार, बाय बाय आसू भाई। अब क्या सीन है था भाई साहब? ये हमारा बोर्ड है, की स्कूटी है गाइस, जिसका ये फोन है। मैं बोर्ड अजी हूं। ये बोर्ड का लड़का है, चाबी ला रखा, चाबी लेके उड़ दे। तो दोस्तों अभी मेहमान विदा हो चुके हैं और अभी हम रोड़ी पे है जहाँ तक अभी तक गाड़ी आ रही है। पहली बार ना कल हम यहाँ तक पहुँचे थे, एक दिन मैंने आपको जब अपनी रोड का टूर कराया था तो उस समय बताया था कि हमारी जो रोड की कटिंग है यहाँ तक हो रही है, तो अब गाड़ी यहाँ तक पहुँचने वाली है क्या, पहुँच चुकी है। तो कल हम यहीं तक आए थे और अभी जो मेहमान यहाँ से गए हुए थे वो यहीं पे से गए थे, और ये इतना हरामी है ना, यहाँ सामने पे हमारी स्कूटी खड़ी कर रखी थी और यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल है, इसको लगा कि मैं अभी न्यूट्रल में नीचे जाता हूँ और ऊपर भी न्यूट्रल ही में आता हूँ, इसका दिमाग समझे, और ऊपर आते समय मेरे को इधर से आवाज़ दे रहा, मैं उधर था वहाँ से आवाज़ दे रहा कि थोड़ा सा धक्का देना, तो मैं इसको बिल्कुल धक्का नहीं दूंगा, मैं इसकी बस वीडियो बनाऊंगा और इसकी जितनी आफत आ रही है जितनी फट रही है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चल 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 चल
यहाँ देखो गाइज, माँ की कसम से पता कहाँ से ला रहा हूँ, उधर से जहाँ तक न्यूट्रल इस धार से। अब दोस्तों ये जितना रुकेगा मैं इसके पीछे से लात मार के इसको भगाऊंगा यहाँ से। चल चल देखते कितने स्पीड में ले, स्पीड से ले आता तू। शाबाश शाबाश, वाह 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 भाई, भर्ती की तैयारी हो सकती तेरी असम में। कल से यहीं तक आ, नीचे जा समय न्यूट्रल में जाओ, ऊपर जा समय धक्का देकर का देख, फुल तैयारी होगी तेरी भर्ती की। या आज जानू या बारह चल अब हाले लगा चलन। तो दोस्तों मौसम देखोगे आप ना बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों यार थोड़ा सा धक्का दे ही देता हूँ छोटे भाई पे, थोड़ा सा रैम करना ही चाहिए। ले ले तो अभी ये डबल स्टैंड लगा रहा है, देखो कितनी आफत आ रही है भाई। इसमें जान की जरूरत नहीं पड़ती है, टेक्निक की जरूरत। अभी देख मैं तेरे को बताता हूँ, देख अभी इसको पकड़ दो, अभी देख कितना इजी से डबल स्टैंड लगाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बहुत समझ रहा आपने को, समझ नहीं मैं राइडर हूँ, राइडर हूँ राइडर। पूरे दुई तार को बैलेंस ने बीच में दान बना छट ही हो, खाली पूरा दान बना आपको बिछड़ जाए नहीं। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। और ताकत तेरे तेरे पे मेरे से ज्यादा है, लंबो छोड़ तू मेरे से ज्यादा जी, लेकिन टेक्निक नहीं तुम्हें, बस तुझे टेक्निक सीखनी है। तो ये हमारे स्कूल की हाई स्कूल। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे गांव की हाई स्कूल, हमारे गांव की हाई स्कूल। अरे ये देख सकते हैं सारे हाई स्कूल के बच्चे। ओ बद्रीस, ये बद्रीस आपने परसों के व्लॉग में देखा, जो पहला मतलब शादी का जो पहला व्लॉग था, बर्फ साफ कर रहे थे। तो ये हमारा बद्रीस भाई, हल्ला न केवल ने सब भी कौर पौड़ा पौड़ा खो पौड़ा खो पौड़ा लिखा हल्ला कौर लो बिल्कुल। तो हम इनको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, अब इनकी पढ़ाई चल रही है। और इसके साथ साथ आपको प्राइमरी स्कूल भी दिखाता हूँ। ये नीचे ये रही अपनी प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल तीन चार प्राइमरी स्कूल, एक ऊपर भी है दो तीन पीछे है, और मेन जो गांव की प्राइमरी स्कूल है वो है नीचे। नमस्कार नमस्कार, आप दोनों को वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैंने अपने मुंह से इनको वैवाहिक जीवन की बधाई नहीं दी थी। ओ भाई उठ ला उठ ला। ओ भाई बहुत बहुत बधाई है आपको, लो कल तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई दी मैं कौदिल। तबियत खराब हुई? हाँ माँ जी कमी लागण तुम्हें, कमी लागण तुम्हें तेर क्यों ऑटो भरे आते तेरी और नए बुहारी आई यो अनिया पर जियो जमी जी जो है कमी ला तो कमी महसूस होने तो को बड़े होनु मजा होनी ना फीलिंग ऑसम या फीलिंग बढ़िया। ओ दीदी कैची है? बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी है ना? कैसा हो? हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों अभी शादी समापन के बाद फिर से अपना वही पुराना वाला काम स्टार्ट हो चुका है, कभी लकड़ी के साथ कभी पसाई के पशिया के साथ कभी कुछ घर के जो काम है वो फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आवाज़ देख सकते हैं आज बेहतरीन, आज बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है भाई। कल से कल मेरी आवाज़ इतनी गंदी हो गई थी ना, आज फिर थोड़ा सा ठीक है मुझे लग रहा है ना, जिस हिसाब से आज बोलने में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो शैलेश भाई भी अपने पुराने अवतार में आ चुके हैं, परसों तीन चार दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी भी थे, बहुत ज़्यादा थोड़ा टेंशन में भी थे वो तैयार। बीच में कभी कुछ दिक्कतें आ जाती है, कभी कुछ दिक्कत होती है बीच में, नहीं है कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो फिलहाल अभी सारा समापन हो चुका है, खुशी खुशी सब कुछ। मेरा तो एक फिट बर्फ में मंगल स्नान करने के बाद से बुरा हाल है यार। या, 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 या। उस दिन से खांसी सर्दी जुकाम पीछा नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहली बात जो नींद है ना, नींद तो साला अभी तक पूरी नहीं हुई है। नींद किसकी भी यार, ना मेरी भी ना तेरी भी, घर वालों में मतलब घर के किसी भी सदस्य की नींद पूरी नहीं हुई अभी तक। शायद हम पहली तारीख से नहीं सोए, जिस दिन दुर्गेश लोग की बकरियां खोई थी ना उस दिन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज 8 तारीख हो गया, तो लगभग एक हफ्ते से हमने पूरी नींद नहीं ली है। अभी तक मैंने शैलेश भाई को फिर से एक बार बधाई दे रहा हूँ वैवाहिक जीवन की, ढेर सारी शुभकामनाएं शैलेश भाई को। आप लोगों ने कमेंट में तो भर भर के दे दिया है, क्योंकि जो पहली वाली वीडियो थी अभी केवल एक ब्लॉग अपलोड कर रहा है, शायद इस वीडियो के आने तक सारी वीडियो शायद क्या हो नहीं है इस वीडियो के आने तक,
सारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी, लेकिन जो पहली वीडियो है जो अभी तक डाली है उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया यार। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 22 घंटे हो रहे, 22 घंटे में 1.1K व्यू आ चुके हैं, और पहली बार ऐसी वीडियो है जिसमें कि 200+ लाइक्स कंप्लीट हुए हैं। तो आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। अभी चल रहे हैं हम थोड़ा सा लकड़ी लेने के लिए। यहाँ सामने पे जो हमारी गौशाला थी पुरानी, वहाँ पे हमारी लकड़ियाँ थी जो मैंने बरसात के टाइम पे करे हुए थे, अभी हम उन्हीं को लेने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी लकड़ियाँ, तो अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। ये पीछे ये वाली साल दिख रही है, यहाँ पे थी लकड़ियाँ हमने इकट्ठा करी हुई थी, तो यहीं से लेके आ रहे हैं। ये रहा आगे, ये मोटी मोटी लकड़ियाँ ले आ रहा है, और मेरे पास है जाल जैसी लकड़ियाँ बारीक इधर से उधर फैल रखी, कियाड़ा जिनको हम बोलते हैं। ये मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, और मोटी लकड़ियों पे जो बाहर से जो बारीक बारीक निकले रहते हैं वो है ये। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे घर पे। तो दोस्तों अभी रात की 7 बज रही है, तो अभी हम बाहर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है। आज पार्टी जिंदाबाद यार, यार वो प्रचार प्रचार हटा दे यार दोस्तों, हमको प्रचार प्रचार से हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर बीच में कहीं पे अगर ये पार्टी पुटी का कोई कहीं पे वीडियो बनाओगे, हमने केवल मस्ती मजाक में बनाया है, हमको पार्टी से कुछ कोई मतलब नहीं है। कोई आए कोई जाए, हमको से कोई मतलब नहीं है, कोई ना कोई आएगा ही आएगा, और जो भी आएगा शायद उम्मीद है कि बढ़िया ही आएगा। तो फिलहाल आज का जो खाना है वो भी यहीं पे बन रहा है यार। दुर्गेश बाबू को मत कर यार प्लीज, दोस्तों इसको बता दो यार कसम से, उत्तराखंड ब्लॉग्स वाला इसको सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और कुछ बोलना, पैसे भी चाहिए, इसने काम कर दिया ना, पैसे भी चाहिए, इसने काम कर दिया ना। तो दोस्तों जो भी ये वीडियो को देख रहा है तो इसको वोट देना है, तीसरे नंबर पर है बटन, उसको दबाना है। दोस्तों आपकी मर्जी है, आपका हक है, आपका अधिकार है, आपको जिसको देना है उसको दीजिए। इसने ऐसा बोला कि उत्तराखंड ब्लॉग्स वाले के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों हाथ 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 मजाक कर रहा हूं, मैं कोई पार्टी वाला, ये मेरे जेब में था तो मैं सबका सम्मान करता बहुत ज्यादा। अगर भाई के ब्लॉग में भी अगर इस तरह से पार्टी पुटी का कोई जिक्र हुआ, वो केवल मस्ती में होगा, हमको किसी से पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम सबका सपोर्ट करते हैं, जो गलत बिल्कुल, जो अच्छा करता है हम उसका सपोर्टर है, जो गंदा करता है उसका सपोर्ट तो कोई करेगा भी नहीं। जेब में भी रखा हुआ है, ऐसे नहीं कि मैंने गंदा करे इसको, अच्छे से बड़े बिल्कुल बिल्कुल। हमारी माता जी अभी अंदर, इनकी रोटियां बन रही है, हमारा काम है, हमको यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी सुब्जी काटना और सब्जी सुब्जी बनाना है। तो आज आपको बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, आज आपको दिखेंगे केवल हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, ठीक है। वैसे हमारे सारे गाँव हमारा परिवार है, लेकिन जो अपना परिवार है वो तो अपना ही है यार, है कि नहीं अपना। आप ये जो जिसमें जो हमारा अभी ये हो रहा है, हम भी तो परिवार है, हमारा अभी तक ना एक अलग परिवार है। तो परिवार बहुत टाइप के परिवार होते हैं। दिव्यांशु मेरे को लगता है कि एक ऐसा इंसान है कि जो मेरी वीडियो स्किप नहीं करता है, मुझे लगता है। नहीं 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 दिव्यांशु भाई स्किप नहीं करता, क्यों दिव्यांशु? तो मेरी दो वीडियो अपलोड हो चुकी है, और अब लगभग डेली व्लॉग आते रहेंगे, क्योंकि वो ब्लॉग मेरे पे बहुत सारे पड़े हुए, 2-3 ब्लॉग अभी पड़े हुए, अभी उनको एडिट करना है, और हर दिन एक वीडियो डालूंगा। ये नहीं क्या मेरे पास ब्लॉग है तो मैं एक ही दिन में 2-3 डालूंगा, एक एक ही डालूंगा, और जिससे कि दूसरे ब्लॉग को भी टाइम मिले। पूरे 24 घंटे का टाइम दूंगा, पूरे एक दिन का टाइम दूंगा एक ब्लॉग के लिए, क्योंकि तभी जा करके थोड़ा बहुत ठीक ठाक व्यू आता है, आप लोगों को भी मजा आता है। जब तक वेट ना करें ना किसी चीज का, फिर उतना मजा नहीं आता। जैसे कि बहुत 3-4 दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला, तो काफी लोगों ने मेरे को कहा यार कि भाई तेरा ब्लॉग का वेट कर रहे, कब शैलेश भाई की शादी का ब्लॉग आ रहा है। तो हमको बहुत ज्यादा खुशी हुई जिस जो आप लोगों ने हमारे व्लॉग का वेट करा, ठीक है। तो जाइए दुर्गेश भाई के चैनल पे भी जाइए यार, दुर्गेश भाई के वीडियोस को भी खूब प्यार दीजिए यार, यार व्यू नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर तो मेरे बर्थडे बिल्कुल। तो दोस्तों अभी खाना पीना हो चुका है, और अभी दिव्यांशु भाई और मैं दिव्यांशु भाई के रूम में सोने के लिए आए हुए हैं। 2-3 दिन से मैं अपने घर पे नहीं हूँ, परसों एक दिन दिव्यांशु भाई के यहाँ रहा था, एक दिन धीरू भाई के यहाँ, कल उधर पंकु भाई के यहाँ, और आज फिर से दिव्यांशु भाई के यहाँ। तो आज थोड़ा बहुत जो भी आज जो घर पे जो भी मेहमान है जितने भी है आज उधर ही गरीब है, तो मैंने कहा चलो दिव्यांशु भाई अकेला, दिव्यांशु भाई के यहाँ चलते हैं, दिव्यांशु भाई के साथ सोते हैं। तो फिलहाल अभी दिव्यांशु भाई ये दिव्यांशु लगभग आधा घंटे पहले आ गया था, और इसने मेरे को बोला नहीं कि चल भाई सोने चल, लेकिन अपने ऐसा नहीं है यार, हमको पता है हमको सोने वहां जाना है तो जाना है, कोई बोले ना बोले ये दिल वाली बात यार गाइस। तो अभी दिव्यांशु भाई बिस्तर लगा रहे हैं, और इसके बाद वीडियो एडिट करना है, और सुबह आपको वीडियो देना है। तो दोस्तों फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता है, कि आप लोगों के ब्लॉग पसंद आए हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता है किसी और मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय हिंद
बाय बाय। ठीक है।